प्रदेश में बीजेपी सरकार के दौरान फूल रहे सुखोर आरोपियों पर आपको बता दें कि पुलिस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले पुलिस ने सुखोर आरोपी और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष रूबी तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फिर पुलिस ने रूबी के फरार भाई रोहित तोमर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कई बैंकों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे और पुलिस ने आरोपियों के 10 करोड़ के निर्माणाधीन बंगले को भी सीज कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से दर्जन महंगी गाड़ियां भी और इसके साथ 1.5 किलो जेवर भी जब्त किया है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज तरीके से सुखोरी का बिजनेस चल रहा था तो उसमें रूबी तोमर और रोहित तोमर ये दो जो बंधु थे इनके खिलाफ में अपराध कायम किया था। 4 अपराध इनके खिलाफ कायम किए गए हैं। उसमें रोहित तोमर जो कि इसका सरगना था इसको अरेस्ट किया गया है और इसके कब्जे से हम लोगों को 1.5 किलो सोना जो था वो भी बरामद हो चुका है। और उसके बाद में इसने बहुत सारे बैंकों के साथ ठगी भी की है तो उसमें भी हम लोग अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। और इसकी जितनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सीज करने के पश्चात उसकी भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 100